हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छा रहना भी चाहिए। बायोलॉजी ड्रीमर्स फिर से आपका तहे दिल से अपने इस एक न्यू अपडेट पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, नीट में कट ऑफ खत्म और शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। आज इसके बारे में बायोलॉजी ड्रीमर्स आपसे बात करने वाला है। तो ये अपडेट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए हमेशा इसी तरीके के अपडेट्स लेके आता रहे और आपको हमेशा अपडेट करता रहे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है ना कि नीट में अगर कट ऑफ ही खत्म हो जाए तो फिर टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ के लिए एलिजिबल सबको ही हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे तो उनकी काउंसलिंग प्रक्रियाएं भी होगी और जो एलिजिबल होंगे उनको ये काउंसलिंग के दौरान में सीटें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन ये जो नीट में कट ऑफ खत्म हो रहा है वो किस में हो रहा है? यूजी में हो रहा है या पीजी में हो रहा है? इस वीडियो के अंत तक रहिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज कि क्या है इस वीडियो में खास। तो दोस्तों, जैसा कि देखा जा रहा है, भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी में कट ऑफ खत्म कर दिया है। नीट पीजी इट्स मीन पोस्ट ग्रेजुएट, नॉट यूजी, ओके। अब इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। हायर एजुकेशन से जुड़े विशेषज्ञ इस फैसले की अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से, वो उनका कहना है, वो अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। किसी का कहना है कि यह क्रांतिकारी फैसला है, यानी बहुत ही बेहतरीन फैसला है, और जबकि कोई इसे हास्यास्पद बता रहे हैं, यानी वो हंस रहे हैं कि नहीं, ये फैसला सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे और भी बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। और वो परेशानियाँ क्या खड़ी होंगी, तो चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने वाला फैसला है, ये बातें कही जा रही हैं चेयरमैन डॉक्टर कृष्णन के द्वारा, जो फेडरल ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने कहा है कि यह हास्यास्पद है। नीट पीजी को 2017 में इसीलिए लाया गया था ताकि हर कोई पैसे देकर सीटें ना खरीद सके और मेरिट के आधार पर उसे सीट मिले। कुछ हद तक परसेंटाइल नीचे जा सकता था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इससे फायदा होगा। पिछले कुछ सालों में फीस कम होने लगी थी क्योंकि भारी फीस देने वाले कम थे। अब ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे तो फीस बढ़ेगी, सीटें ब्लॉक की जाएंगी, प्राइवेट कॉलेज कई तरीके से फीस बढ़ाने के निकाल लेंगे। तो ये एक, पता नहीं, जहां तक अगर देखा जाए तो एक मायने में ये सही भी है जो रोहन कृष्णन बोल रहे हैं, लेकिन अब आगे देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कट ऑफ 25 करने के बाद भी सीटें खाली रह गई थी, शायद इसी वजह से ऐसा डिसीजन लिया जा रहा हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से रिक्वेस्ट की थी कि परसेंटाइल को 50-30% तक लाया जाए। इसके कुछ कारण थे जिनमें बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी जैसे नॉन क्लिनिकल सीट्स खाली रह जाती थी। अब बच्चे उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। हर साल लगभग 3000 पीजी सीटें फिर भी खाली रह जाती थी, इसीलिए ऐसा कहा गया था। लेकिन पिछले साल कट ऑफ 50 से कम करके 25 करने के बावजूद भी सीटें खाली रह गई थी, इसीलिए सरकार ने ऐसा सोचा होगा। तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से सीटें खाली रह जाए तो थोड़ी सी ना थोड़ी बात तो बढ़ेगी और लोग सोचेंगे कि नहीं भाई, किसी तरीके से इसे कम कर दिया जाए और जो भी सीटें हैं वैकेंट है उसे फिल कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी मेरे फ्यूचर डॉक्टर, मेरे प्रेजेंट डॉक्टर जो भी हैं, ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ था आपके लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर जो भी सीटें वैकेंट है अगर वो भर जाए तो इससे बेहतरीन और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये न्यूज़ और एक नए अपडेट के बारे में पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।